जयपुर से सरकारी शराब से भरा ट्रक लूटा, चालक को बंधक बनाकर हरियाणा में चलते ट्रक से फेंक गए। बहरोड से अजमेर डिपो भेजी जा रही थी शराब। लाखों रुपए की सरकारी शराब से भरा हुआ ट्रक जिसे अलवर के बहरोड से अजमेर भेजा गया था, उस ट्रक को जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र से लूट लिया गया। चालक को बंधक बनाकर ट्रक में ही डाल दिया गया और बाद में हरियाणा के नांगल चौधरी क्षेत्र में लुटेरों ने उसे चलते ट्रक से फेंक दिया। चालक ने इस बारे में ट्रक मालिक को सूचना दी और बाद में ट्रक मालिक ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर इसकी जानकारी दी। अब जयपुर वेस्ट पुलिस मामले की जांच कर रही है। 10:30 बजे तक आना था जीपीएस, फिर बंद हो गया। लूट के इस मामले की प्रारंभिक जांच कर रहे विश्वकर्मा थाना पुलिस ने बताया कि बहरोड स्थित डिपो से देशी और अंग्रेजी सरकारी शराब से भरा हुआ ट्रक अजमेर के लिए रवाना किया गया था। रात करीब 10:30 बजे तक ट्रक का जीपीएस आना था और ट्रक की लास्ट लोकेशन विश्वकर्मा के पास 14 नंबर पुलिया के नजदीक पुलिया पर आ रही थी। उसके बाद रात लोकेशन बंद हो गई। बाद में तड़के ट्रक चालक ने अपने ट्रक मालिक को फोन पर बताया कि ट्रक लूट लिया गया है। उसने हरियाणा में किसी ढाबा संचालक से फोन लेकर ट्रक मालिक को फोन किया था। ट्रक मालिक ने जयपुर कंट्रोल रूम पर इसकी जानकारी दी थी। पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक से लूटपाट के दौरान उसका मोबाइल फोन भी लूट लिया गया, इस कारण उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ट्रक चालक दोपहर तक जयपुर पहुंचेगा और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।